गुड इवनिंग, कैसे आप सब। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, आज का टॉपिक। क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? जो भी यहाँ पे लाइव है प्लीज बता दीजिए। राहुल जी, सतीश जी, क्या आपको आवाज प्रॉपर आ रही है? गुड इवनिंग युवराज जी, क्या आपको प्रॉपर आवाज आ रही है? क्या आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? सब कुछ ठीक है? यदि हाँ तो फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। जी सुप्रा जी, खातून जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, काफी लोग लाइव आ गए हैं तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास, कंटिन्यू करते हैं। बता दीजिए जो लोग लाइव है, क्या आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है प्रॉपर, तो मैं क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आज की क्लास में हम बात जो कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसको समझते हैं पहले। यस, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आवाज आ रही है सबको? वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। आज हम बात करने वाले हैं एचएपी पढ़ने। आप लोगों की डिमांड थी कि सर एचएपी शुरू किया जाए, तो एचएपी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि है लिम्फैटिक सिस्टम। जैसे आपने लास्ट क्लास में दोस्तों पढ़ा था पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के बारे में बात किया था हम लोगों ने, उसी तरह से आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक और सिस्टम की, जो कि बॉडी फ्लूइड सिस्टम है, जिसे हम लिम्फैटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फैटिक सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं, इसकी हम बात करें। ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ब्लड के बारे में बात किया। ब्लड, अब ब्लड को आपको पता है दोस्तों कि ब्लड में तीन पार्ट होते हैं, सबको पता है। दिस इज आरबीसी, दिस इज डब्ल्यूबीसी, एंड द लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स सबने पढ़ लिया है। अब एक चीज क्लियर हो गया कि आरबीसी का काम क्या है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करता है, मेन काम है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, अगर अगर, यानी ये इम्यून सिस्टम का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ये इम्यून सिस्टम, ये ऑक्सीजन कैरी और प्लेटलेट्स करता है, ब्लड क्लॉटिंग। ये मोटा मोटा तीन काम होता है हमारे ब्लड के, तीनों सेल के अलग अलग काम। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम के लिए, और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग। तो अब क्या किया जाए दोस्तों, क्योंकि इन तीनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो किसी का है तो वो डब्ल्यूबीसी का है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, और ये इम्यूनिटी के कारण ही हम छोटे से लेकर बड़े होने तक, और बड़े होने से लेकर बूढ़े होने तक शरीर में हजारों, हम जहां पे हैं, जिस कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस घर में आप जहां जाते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर को रोज टकराते हैं, हमारे शरीर में घुसते हैं, लेकिन हमारा शरीर उनसे लड़ता है और हम बीमार होने से बचते हैं ड्यू टू दिस इम्यून सिस्टम। जो डब्ल्यूबीसी है वो इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। तो भगवान ने, खुदा ने, परम पिता ने एक सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा ऐसा है, इस ब्लड को ले लो, इस ब्लड के ये जो ड्रॉपलेट है दोस्तों, जो ब्लड है, इसके ब्लड के जो ड्रॉपलेट है, इसको इस तरह समझिए, ये ब्लड के ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, ये किसी भी एक हमने ब्लड ले लिया और उस ब्लड में ये ड्रॉपलेट्स, इस ड्रॉपलेट्स में क्या क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये रेड वाला जो है आरबीसी है, ये ब्लू वाला जो है वो डब्ल्यूबीसी है, और ये ब्लैक वाला जो है वो प्लेटलेट्स। मान लीजिए कि हमने कोई ब्लड लिया, तो भगवान ने सिस्टम बनाया हमारे शरीर के अंदर ही, क्योंकि डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डब्ल्यूबीसी अलग से स्टोर करने की जरूरत है। उन्होंने क्या किया, एक छन्नी लगाई, और छन्नी लगा के एक फिल्टर किया, और फिल्टर करके इसमें से जो हमारे मेन डब्ल्यूबीसी थे उसको छान करके यहां से अलग कर, और इसको एक अलग से इसका सिस्टम बनाया, इसको फ्लो करने के लिए, इसको हमारे शरीर में बहाने के लिए, हमारे शरीर में इसको स्टोर करने के लिए। जी हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड का ही एक्चुअल में पार्ट है।
इसमें होता क्या है कि ब्लड को छानने पर जब इसका व्हाइट वाला पोर्शन हम अलग करते हैं, यानी जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ व्हाइट पोर्शन मतलब डब्ल्यूबीसी को जब अलग करते हैं तो अलग होकर जो एक अलग प्रकार का लिक्विड मिलता है उसे हम लिम्फ कहते हैं। यानी कि किसी भी ब्लड में जो व्हाइट पोर्शन ऑफ ब्लड होता है वो लिम्फ कहलाता है। तो वहीं से हमारे खून से हमारे ब्लड से ये सारे पोर्शन छन करके जो व्हाइट वाला पोर्शन है छन के वो लिम्फ बनाता है और लिम्फ हमारी बॉडी में स्टोर होता है लिम्फ नोड्स में। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में खून के बहने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं उसी तरह से शरीर में लिम्फ को बहने के लिए अलग से लिम्फ वेसल्स होते हैं, शरीर में लिम्फ के स्टोरेज के लिए लिम्फ नोड्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में ब्लड के लिए मेन ऑर्गन हमारा हार्ट होता है उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम के लिए मेन ऑर्गन हमारा स्प्लीन होता है। तो इस क्लास को हम ब्लड से मिला जुला के पढ़ेंगे तो चीजें हमारी और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम का डेफिनेशन है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। What is the definition of lymphatic system? Lymphatic system is a lymphatic system is a network of tissues, vessels, and organs that work together move a colorless watery fluid called lymph into circulatory system of the blood stream. यानी कि शरीर में जो एक colorless यानी सफेद रंग का watery fluid जिसे lymph कहते हैं, lymph को बहाने के लिए हमारे शरीर में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है जैसे कि lymph, lymphatic vessel, लिम्फ नोड, इन सभी को एक साथ पढ़ने को एक साथ स्टडी को ही हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे हार्ट, ब्लड वेसल और आपके आर्टरी वेन्स और उसके साथ साथ आपका बाकी जो चीजें हो गई इनको मिला के हम सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, उसी तरह से लिम्फ, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल, स्प्लीन, इन सबको एक साथ मिला के लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो ब्लड है प्लाज्मा है करीब 20 लीटर प्लाज्मा फ्लो होता है। अब आप कहेंगे भाई शरीर में खून तो 5.5 लीटर होता है, ये 20 लीटर कहाँ हो गया? एग्जाम्पल इस तरह समझिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लोग कहते हैं कि जब शरीर में खून 5.5 लीटर 6 लीटर है तो ये 20 लीटर प्लाज्मा हमारे आर्टरीज से कैसे रोज गुजरता है? को इस तरह समझिए जैसे मैं कहूं कि एक कमरे में दो दरवाजे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जो स्टोरी को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे ये एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे में दो दरवाजे हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, एक दरवाजा यहां पे है और एक दरवाजा यहां पे, तो ये दो दरवाजे हैं दोस्तों। अब मैं कहूं कि इस कमरे में केवल 3 लड़के हैं, एक लड़का यहां से घुसा अंदर बैठा फिर यहां से निकल गया फिर वही घूम के यहां आया फिर इधर से निकल गया फिर घूम के इधर आया फिर इधर से निकल गया, मतलब तीनों जो है वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन है तो कुल 3 ही लड़के, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर ये 100 बार ये घूम जाएंगे तो हम कहेंगे इस गेट से 100 लड़के पार हुए और इस गेट से 100 लड़के पार हुए। मजे की बात तो है कि है तो यही 3 लड़के लेकिन इस गेट से 100 बार हुए बात सही है और इस गेट से 100 लड़के पार हुए बात सही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बार बार घूम रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप किसी मंदिर वगैरह में जाइए, किसी बड़ी जगह पे जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, स्टेशन पे जाइए, तो बाहर जो गेट लगा होता है जिससे आप गुजरते हैं तो मुंह से बोलता है, उस पर रीडिंग आती है कितने लोग वहां से पास हुए। अब एक ही व्यक्ति अगर 15 बार पास करेगा तो मशीन बताएगा कि 15 लोग पास किए, वो नहीं बताएगा कि एक ही लोग 15 बार पास किए। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा ब्लड हमारी बॉडी में लगातार सर्कुलेट होता रहता है तो वो सेम ब्लड वेसल से सेम जगह से वो बार बार गुजरता है पूरे दिन भर, इसलिए बार बार गुजरने के कारण उसकी नंबर्स को हम बार बार काउंट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे आर्टरीज से हमारे जो ब्लड वेसल की आर्टरीज है उनसे जो है करीब 20 लीटर ओवर एवरेज जो है 20 लीटर प्लाज्मा पर डे फ्लो होता है और उसमें से जब वो बॉडी में अलग अलग सेल और टिश्यू में जब फ्लो करते हैं तो अपने साथ उस वेस्ट प्रोडक्ट और अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल है वो भी छान करके बाहर आते हैं। ठीक है, कोशिकाओं से छान करके बाहर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बढ़ते कैसा है ये सिस्टम हो जाए लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए ये आप जो देख रहे हैं सिस्टम दोस्तों हमारी बॉडी की बहुत ही अच्छा फिगर है। ये जो आप नीला और लाल सिस्टम देख रहे हैं ये हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम है।
लेकिन इसके साथ साथ जो आप ग्रीन वाला सिस्टम देख रहे हैं वो हमारे शरीर का लिम्फैटिक सिस्टम, जहां जहां पे आप गांठ देख रहे हैं इसे लिम्फ नोड कहते हैं, यानी जहां पे चौराहा है, स्टेशन है, जहां पे थोड़ी देर रुकेगा लिम्फ और रेस्ट करेगा, ये लिम्फ नोड है। और बाकी जो ग्रीन देख रहे हैं इसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं, यानी हमारे शरीर में लिम्फ और ब्लड एक साथ फ्लो करता है। ब्लड में अंदर क्या है, इसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स तीनों होते हैं, लेकिन लिम्फ में सिर्फ डब्ल्यूबीसी और कुछ खास प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके कलेक्टिवली मिलाकर के लिम्फ कहा जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि लिम्फ में केवल डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी के अलावा और भी कंपोनेंट होते हैं। तो ये एक सिस्टम है कि हमारी बॉडी में कैसे, आपके बॉडी में कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम एक साथ काम करते हैं, लेकिन दोनों में अलग चीजें प्रभावित होती है। जो लोग लाइव है प्लीज मुझे बताइए क्या आपको चीज समझ में आ गई, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी क्या है, लिम्फ और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से लिम्फ कैसे अलग होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं इसे कंटिन्यू करूं। महाराष्ट्र मैं वेट कर रहा हूं, मैं क्लास कंटिन्यू नहीं करूंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा सा टफ टॉपिक है। मैं आपको बेसिक सिखाते हुए चल रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं, यस प्रिया जी थैंक यू, प्रिया जी को समझ में आ गया, और कितने लोग हैं, ठीक है बाकी लोग बताइए। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं जो लिक्विड रिलीज करती है उनको भी ये जो शरीर से बाहर निकलती है वो कहां मिल जाता है, डब्ल्यूबीसी के साथ, और वो लिम्फ बनता है। लिम्फ में हमारी बॉडी से जितना भी इंपॉर्टेंट और वेस्ट सारे मटेरियल को इकट्ठा करके लिम्फ एक अलग सा लिम्फ बनाता है और हमारी बॉडी में बहता है। दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इनमेट और एडाप्टिव, आप जानते हैं इनमेट जो हमारे शरीर में जन्मजात होती है, और एडाप्टिव इसे हम बहुत में डेवलप करते हैं। इम्यूनिटी हमने पढ़ा है इसको, जैसे वैक्सीन लगवा लिया, टीका लगवा लिया, दवा खा लिया, तो उससे जो डेवलप होती है उसे एडाप्टिव कहते हैं, और इनमेट जो हमारी बॉडी में ये ऑलरेडी आप इसको जानते हैं इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे बॉडी में इसका मेन काम है इम्यून सिस्टम का इम्यूनिटी डेवलप करना। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इनेट और एडाप्टिव। इनेट जो है नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए कारगर है, किसी से मान लीजिए कि कॉलरा का बैक्टीरिया आया, टाइफाइड का बैक्टीरिया आया, मलेरिया का आया, तो उनके लिए सबके लिए कॉमन काम करता है। एडाप्टिव जो होता है हम स्पेसिफिक टीका लगाते हैं, कोरोना की टीका लगाएंगे, कॉलरा की टीका लगवाएंगे, बीसीजी का लगवाएंगे, टीबी का लगवाएंगे, वो स्पेसिफिक मतलब जो एक विशेष प्रकार की बीमारी के लिए काम करे, जबकि जो जनजात होता है वो सबके लिए बराबर काम करता है। ठीक है, ये आप देखिए कि हमारे शरीर में ये इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, इननेट और एडाप्टिव। एडाप्टिव मतलब एंटीबॉडीज डेवलप होती है, और इननेट में ये सब जो बॉडी में जो कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जैसे डेंड्राइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफेज, आप देख रहे हैं सब बेसोफिल, सब क्या है, ये सब डब्ल्यूबीसी के प्रकार है, इसमें फिल्ड मास्ट, ये सभी सब क्या होते हैं, एक तरह के हमारे इननेट इम्यूनिटी। हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। मैंने आपसे कहा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एक से ज्यादा प्रकार की चीजें मिलकर के लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम किन-किन कंपोनेंट से मिलकर बना है ये जानना बहुत जरूरी है, हमारे शरीर में कहां पाए जाते हैं और इनका काम क्या है, इनका फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है लिम्फ। लिम्फ क्या है, मैंने डब्ल्यूबीसी छना हुआ और शरीर के कुछ न्यूट्रिएंट्स और शरीर के टिश्यू में कुछ निकले हुए वेस्ट, इन सबको मिला के लिम्फ बनता है। लिम्फ को हम समझने के बारे में इसे कलर जान लिया कैसे होता है। लिम्फेटिक वेसल, अब लिम्फेटिक वेसल्स आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल दो प्रकार के होते हैं, आर्टरी और वेन, ये तो मोटे मोटे हो गए, और आर्टरी वेन से छोटे छोटे निकलने वाली क्या होती है, पतली पतली कैपिलरियां, उसी तरह से लिम्फ में होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक और लिम्फेटिक डक्ट, ये सभी नलिकाएं हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, इस तरह से देखा जाए ये सब अलग अलग प्रकार की नलिकाएं हैं। तो चार प्रकार की वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक ट्रंक और लिम्फेटिक डक्ट, ये छोटी बड़ी नलिकाएं हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन क्या है, वो ऑर्गन जो हमारे शरीर में लिम्फ को बनाने में सहायता करते हैं। लिम्फ का मतलब वो केमिकल जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है, यानी लिम्फेटिक ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। उसमें सबसे पहला है थायमस ग्लैंड, आपने पढ़ा होगा, दूसरा है लिम्फ नोड्स, तीसरा है स्प्लीन, और चौथा है टॉन्सिल। टॉन्सिल आपने देखा यहाँ पे, ये चारों ही ऑर्गन जो है वो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के
लिम्फेटिक सिस्टम को हेल्प करते हैं। लास्ट में लिम्फेटिक सेल्स इन ऑर्गन्स जिन भी सेल्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लिम्फेटिक सेल कहते हैं। थैंक यू युवराज आपके कमेंट के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम बारी बारी से सभी कंपोनेंट के बारे में एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है लिम्फ। आज हम लिम्फ की बात करेंगे। दोस्तों जो लिम्फ होती है मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये ब्लड प्लाज्मा की तरह मिलता जुलता है। बस ब्लड प्लाज्मा में आरबीसी को निकाल दो, प्लेटलेट को निकाल दो, जो बचेगा वो कुछ कुछ लिम्फ की तरह है। तो ये ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है, इसमें जो भी आगे हमारे कैपिलरी वॉल से पास होते हैं, आर्टरी से पास होते हैं, वो छन करके जो कैपिलर बाहर निकलते हैं उसे ही हम लिम्फ कहते हैं। As the interstitial fluid begins to accumulate, it is picked up and removed by the tiny lymphatic vessels and returned to the blood. यानी कि जैसे ही ब्लड छंटता है और छंट के सारे पार्टिकल्स जो हमारे इकट्ठा होते हैं वहां पे कहां इकट्ठा होते हैं, लिम्फ नोड। जैसे लिम्फ नोड का जो है नोड एक चौराहा है जहां सारे लिम्फ आके इकट्ठा हो, और वहां से इकट्ठा होने के बाद जो चीजें उनको लगती है कि ये जो है ये हमारे काम कर रही है, ये ब्लड का कंपोनेंट है, वो वापस ब्लड में भेज देते हैं। अगर मान लीजिए कोई आरबीसी का सेल गलती से आ गया, प्लेटलेट आ गया, हीमोग्लोबिन आ गया, उसे वापस भेज देते हैं। तो क्या करते हैं कि टिनी लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं और जो मटेरियल एक्सेस होता है वो वापस ब्लड में भेज देते हैं। एज़ सून एज़ द इंटरस्टीशियल फ्लूइड एंटर्स द लिम्फ कैपिलरी इट इज कॉल्ड लिम्फ। और जैसे ही वो फ्लूइड कौन, जो फ्लूइड छन करके आया है ब्लड से सेल से, उसे कहते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड। वो इंटरस्टीशियल फ्लूइड जो है दोस्तों, वो इंटरस्टीशियल फ्लूइड जैसे ही लिम्फ नोड में घुसा, लिम्फ वेसल में घुसा, उसका नाम हो जाता है लिम्फ। यानी कि इस तरह से समझिए जैसे कोई बारात में जाता है नॉर्मल जींस पहन के, सूट पहन के, कपड़ा पहन के, उसे बराती ही कहते हैं, लेकिन जैसे ही साफा लगाया, सदरी पहना, उसे दूल्हा कहने लगते हैं, उसका नाम बदल जाता है। तो उसी तरह से जब कोई भी सेल से, ब्लड से छन करके मटेरियल बाहर निकलता है उसे इंटरस्टीशियल फ्लूइड कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो लिम्फ वेसल में प्रवेश करता है उसका नाम लिम्फ हो जाता है। ये चीज आपको समझनी है। रिटर्निंग द फ्लूइड टू द ब्लड प्रिवेंट्स एडिमा एंड हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। और क्योंकि अगर ज्यादा छन जाएगा तो हो सकता है कि लिम्फ की वॉल्यूम बढ़ जाए और ब्लड का वॉल्यूम घट जाए, ब्लड वॉल्यूम घटेगा क्योंकि ब्लड से भी लिम्फ बन रहा है। इसीलिए क्योंकि कभी भी बराबर ना होने पाए वॉल्यूम ब्लड का घटने ना पाए, इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए एक दोनों में वॉल्यूम लगभग मेंटेन किया जाता है नेचुरली। अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। दूसरा कंपोनेंट है लिम्फेटिक वेसल्स, यानी वो पाइप, वो नलिकाएं जिससे लिम्फ बहता है उन्हें लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। जैसे जिसमें ब्लड बहता है उसे ब्लड वेसल कहते हैं, रक्त वाहिनियां। उसी तरह से जिसमें से लिम्फ बहता है उसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं, लिम्फ वाहिनियां। तो लिम्फेटिक वेसल्स अनलाइक ब्लड वेसल्स ओनली कैरी फ्लूइड अवे फ्रॉम द टिश्यू। क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो ब्लड है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको फिगर देके समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों जैसे मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं, यहां पर समझिए इस तरह से कि जो हमारा ये हार्ट है, ठीक है, तो जो ब्लड वेसल होती है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी एक इधर भी फ्लो करता है हार्ट की तरफ और एक फ्लो करता है हार्ट से दूर, टुवर्ड्स द हार्ट एंड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी हार्ट की तरफ भी जाता है और हार्ट से बाहर भी निकलता है। लेकिन लिम्फ नोड के साथ एक सबसे खास बात क्या है, लिम्फ नोड का क्या होता है, ये केवल ये मान लीजिए कोई टीशू है तो टीशू से बाहर की तरफ ही ये बहता है, टीशू की तरफ नहीं बहता है, टीशू से बाहर, जो टीशू से निकलने वाला लिक्विड है उसको लेकर के वो बाहर ही जाएगा, वापस घूम करके टीशू में नहीं आएगा। जैसे कि ब्लड क्या होता है, हार्ट से निकलता है, घूम कर फिर हार्ट में जाता है, जो किसी दो टिश्यू जो होते हैं, दो टिश्यू बीच में, भाई दो टिश्यू अगर पास पास में है उनके बीच जो पाइप है सबसे स्मॉलेस्ट होगा, टिश्यू दूर होगा वो पाइप बड़ी होगी। लिम्फ कैपिलरीज आर फाउंड इन द रीजन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द बोन। भाई लिम्फ कैपिलरी हर जगह पाई जाती है, कहां-कहां किस ऑर्गन में नहीं पाई जाती है, तो हड्डियों में, बोन मैरो में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, टिश्यू एपिडर्मिस में और ब्लड वेसल की तरह यहां पे ये चीजें नहीं पाई जाती है, बाकी जगह
पाई जाती है। The wall of lip clearly composed of endothelium in which the simple squamous cell overlap is simple। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जो ब्लड वेसल होती है, अगर आपने पढ़ा होगा ये जो ब्लड वेसल है, तो आपको पता होगा कि जो ब्लड वेसल होती है इसकी तीन लेयर पाई जाती है और सबसे आखिरी लेयर को एंडोथेलियम कहते हैं, इसमें ब्लड वेसल है, आपने पढ़ा होगा। उसी तरह से सेम जो लिप वेसल की भी लेयर होती है उसे एंडोथेलियम कहते हैं। ये चीजें कॉमन है दोनों, मैंने आपसे क्या कहा ब्लड वेसल और लिप, ब्लड सिस्टम और लिप सिस्टम मिला के पढ़ेंगे चीजें जल्दी याद होगी। इस तरह से इसको भी एंडोथेलियम से मिलकर के दोस्तों ये बना। आगे हम बात कर लेते हैं लिम्फ में, देखिए ये लिम्फ का कुछ स्ट्रक्चर आप देखिए, लिम्फेटिक वेसल में क्या है, इसका डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन है, एक ही तरफ जा रहा है, इसके भी वॉल्व होते हैं, यानी ये जो बीच में इसमें वॉल्व बने होते हैं, जैसे ही ब्लड लिम्फ फ्लो करेगा ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, यानी इसको वापस लौटने के चांसेस इसमें नहीं, जबकि ब्लड वेसल में देखिए पाइप से खून जाता भी है और आता भी, इसमें वॉल्व बने होते हैं निकुसत है अंदर की ओर जो मेंटेनेंस, देखिए आप जो सेल देख रहे हैं इसको इंडोथेलियल सेल कहते हैं, जो वॉल्व है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बनाइएगा इसी तरह समझ जाएगा कैसे ही काम करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, लिम्फेटिक ऑर्गन। मैंने आपसे कहा कि हमें बारी बारी से कंपोनेंट पढ़ने हैं, तो पहला कंपोनेंट पढ़ लिया लिम्फ, दूसरा पढ़ लिया लिम्फेटिक वेसल, अब हम बात करेंगे तीसरा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम को हेल्प करते हैं, लिम्फ के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, लिम्फ फंक्शन करते हैं, उन्हें हम लिम्फेटिक ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लस्टर ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड अदर्स सच एज़ मैक्रोफेजेस इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सॉर्ट ब्रांचिंग कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, यानी कि जहां पे ढेर सारे मैक्रोफेज इकट्ठा होते हैं फ्रेमवर्क होता है वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स कहलाते हैं। लिम्फेटोसाइट ओरिजिनेट इन द ग्रेट बोन मैरो विद टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड कैरेट द ब्लड फॉर्म ऑफ द बोन मैरो टू द लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ये तो सीधी बात है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड बनता है हमारे यहाँ से बोन मैरो में, बिल्कुल उसी तरह से बोन मैरो में क्या बनेगा लिम्फेटोसाइट, क्यों क्लियर है वो लिम्फ जो है वो ब्लड का ही पार्ट है, ब्लड से ही छनके बना है, तो सारी बात तो कॉमन रहेगी, यानी ये भी बोन मैरो में बनता है और बोन मैरो से निकलकर छन करके लिम्फेटिक ऑर्गन में जा जाके स्टोर हो जाता है। क्लियर हो गया। When the body is exposed to the microorganism other foreign substance the lymphocytes proliferate in the lymphatic organs सेंड टू द ब्लड्स, यानी कि इसका समझिए लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या है, वो बैंक है, वो जैसे कि आर्मी वाले होते हैं ना, तो आर्मी वाले का बैरक होता है, उस बैरक में उनकी बटालियन रखी रहती है। तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारा डब्ल्यूबीसी है, हमारा लिम्फ है, ये लिम्फ जो है हमेशा अपने बैरक में, जिस बैरक में रहते हैं उस बैरक को लिम्फेटिक ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा अपने बैरक में लिम्फेटिक ऑर्गन्स में रहते हैं और जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल माइक्रोफेजेस बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में अटैक करते हैं ये तुरंत लिम्फेटिक ऑर्गन आर्मी वाले बैरक से निकल जाते हैं बाहर बंदूक लेके, उसी तरह से ये सारे लिम्फ जो है वो माइक्रोफेजेस डब्ल्यूबीसी ये लिम्फेटिक ऑर्गन से निकलना शुरू कर देते हैं और सारे जगह पे फैलते हैं और उस इनवेडिंग एजेंट को उस बैक्टीरिया वायरस को मारना शुरू कर देते हैं, नष्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब लिम्फेटिक ऑर्गन कौन-कौन से हैं, बारी-बारी से थायमस है, स्प्लीन है, इन सब के बारे में हमें बात करनी है, इसके स्ट्रक्चर को समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे लिम्फेटिक सेल कैसा होता है। लिम्फेटिक आपको पता है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, तो जो लिम्फेटिक ऑर्गन है वो लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर बना होगा, लिम्फेटिक टिश्यू जो है वो लिम्फेटिक सेल से मिलकर बना होगा, दैट्स इट। तो लिम्फेटिक सेल क्या होता है, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर, स्प्लीन, जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन है वो जिस प्रकार के एक स्पेशल सेल से मिलकर बने होते हैं जिसे हम लिम्फोसाइट या लिम्फेटिक सेल है। क्लियर हो गया, यानी लिम्फ, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक ऑर्गन, जितने कंपोनेंट आपने पढ़े वो सभी जिस स्पेशल प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं उसे लिम्फेटोसाइट या लिम्फोसाइट या लिम्फेटिक ऑर्गन कहते हैं, लिम्फेटोसाइट, लिम्फेटिक सेल से। इनके साथ खास प्रॉपर्टी क्या है, दे आर रैपिडली मल्टीप्लाइंग, यानी ये संख्या बढ़ा सकते हैं, तुरंत डिवीजन कर सकते हैं, रिलीज एंटीबॉडीज, इनके साथ एक और प्रॉपर्टी है ये एंटीबॉडी रिलीज करते हैं जो नॉर्मल सेल के साथ नहीं होता है, बैक्टीरिया वायरस के आने पर ये एंटीबॉडी का रिलीज करते हैं, इसके साथ साथ एबनॉर्मल बिहेविंग सेल्स जो कैंसर सेल, लेकिन अगर ये सेल क्या होने लगे, ज्यादा डेड होने लगे, स्टिमुलेट होने लगे, ये कैंसर सेल का भी कारण बन सकते हैं, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये लिम्फेटोसाइट यानी लिम्फेटिक सेल कुछ खास है। ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन की बात करते हैं, क्लियर हो गया, पूरा समझ लिया लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट क्या है, कैसे कैसे मिल रहा है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर में है क्यों,
क्यों बनाया गया है भाई? इससे सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे शरीर में खून बहुत जरूरी है, खून नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में काम नहीं करेगा, हमारे ऑर्गन को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है इसी बात पर नेक्स्ट स्टडी है, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। पहला पॉइंट है ड्रेन एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आपको पता है कि हमारा शरीर जो है वो 70% पानी से मिलकर बना है, तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में, सभी ऊतकों में, सभी अंगों में पानी भरा होता है, उस पानी को हम फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। और बेसिकली कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जरूरत से ज्यादा हो जाएगा हमारे शरीर में, वो भी नुकसानदायक है, तो जरूरत से ज्यादा ना होने पाए, वो बराबर मात्रा में रहे, तो जैसे ही मात्रा बढ़ती है उसका छाट करके एक्सेस भाग बाहर निकाल दिया जाता है और वही बन जाता है क्या? लिम्फ। तो इसका पहला क्या है? ड्रेन एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोशिकाओं में, टिश्यू में जरूरत से ज्यादा हो रहा है उसको छान करके बाहर निकाला। लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस फंक्शन क्लोजली लिंक्ड टू द रिनल कार्डियक सिस्टम। जैसे हार्ट काम करता है उस तरह से लिम्फ काम करता है। ठीक है, देखिए देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी मसल्स वगैरह में जो भी है एक्स्ट्रा जो फैटी सेल्स को इकट्ठा करता है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स। हमारे शरीर में जो फैट होता है, लिपिड होता है, हमारे ब्लड में तो फ्लो होता है लेकिन ब्लड में लिपिड की कम मात्रा फ्लो होती है जितना की प्रोटीन फ्लो होता है। प्रोटीन ज्यादा फ्लो होता है ब्लड में, लिपिड कम। तो लिपिड कहाँ फ्लो होता है? लिपिड को फ्लो करने का दूसरा माध्यम है लिम्फ। तो लिम्फ का दूसरा काम है ये डाइटरी लिपिड्स को भी हमारे बॉडी में, जैसे कि लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल लिपिड्स हो गए, ये सभी लाइपोप्रोटीन वगैरह, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, ये सभी कंपोनेंट जो है वो लिम्फ की सहायता से हमारे बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फ्लो करते हैं। अब तीसरा फंक्शन याद रखिए, तीसरा फंक्शन बताता हूं, कैरीज आउट इम्यून रिस्पॉन्सेस, यानी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तीसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन, आपको बताया मैंने कि शरीर में इसमें ये जितने भी शरीर में इम्यून सिस्टम है इसको बढ़ाते हैं। दोनों प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इनेट एक्वायर्ड, दोनों भी हेल्प करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं। स्लो स्पीड सर युवराज, बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ, दो स्पीड होती है ना, एक तो तेज जल्दी पढ़ा रहा हूँ या बहुत तेज बोल रहा हूँ, आप उसको बताइए क्या दिक्कत। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई देखिए कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आया, तुरंत मैक्रोफेज एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होकर उसने टी सेल को रिस्पॉन्ड किया, साइटोकाइन रिलीज हुआ और सेल को उसने डेड कर दिया। मैकेनिज्म पूरा इम्यून सिस्टम का है, आपने इसको समझा है। ठीक है, अगला फंक्शन है फॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ लिम्फ। हमारे शरीर में लिम्फ का पार्टीशन, यानी जो एक्स्ट्रा लिक्विड है, सफेद रंग का लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, उसका फॉर्मेशन भी इसका काम है लिम्फेटिक। तो अब फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्लो कैसे होता है? फ्लूइड एंड प्रोटीन एस्केपिंग फ्रॉम मस्कुलर टिश्यू करके बाय द लिम्फेटिक कैपिलरी, यानी कि जो भी हमारे टिश्यू से, ऑर्गन से, ब्लड से जो एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकलते हैं उसे लिम्फेटिक कैपिलरी इकट्ठा करता है और वापस ब्लड पे भेज देता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी मस्कुलर पंप्स प्रमोट द फ्लो ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड। और जब हम सांस लेते हैं मतलब हमारे फेफड़े ऊपर नीचे होते हैं भाई। देखिए आप ये चीज पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है वो पूरे शरीर में फ्लो करता है हार्ट के द्वारा, क्योंकि हार्ट पंप करता है, जब हार्ट पंप करता है ये फ्लो होता है। अब आप कहेंगे भाई लिम्फेटिक सिस्टम में कोई हार्ट वगैरह है नहीं, ये कैसे फ्लो होता है? इसको फ्लो होने में दो फैक्टर काम करते हैं, एक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा मस्कुलर सिस्टम। जब हम सांस लेते हैं और जब सांस लेते हैं फेफड़ा हमारा ऊपर नीचे होता है तो एक मोशन मिलता है इस लिम्फ, और दूसरा हम जब चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय लिम्फ ज्यादा फ्लो होता है क्योंकि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है तो ऑटोमेटिक जो है वो मूवमेंट बढ़ जाता है। ये दो जब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रेस्पिरेटरी और मस्कुलर सिस्टम जो है वो पंप करता है हमारे फ्लूइड को। हाँ, युवराज जी कह रहे हैं बहुत तेज तेज बहुत जल्दी जल्दी नॉट बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा युवराज कोशिश करता हूँ। तो अब अगला क्या है कि ऐसे व्हाई आर लिम्फेटिक वेसल्स मेन लाइन एंड इंपटी इनटू द सुपीरियर वेना कोमा। ये सब तो बाकी बातें हो गई, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लीजिए। आप ब्लड को मैंने शुरू बताया था कैसे स्ट्रक्चर, फिर से देखिए ये ब्लड का है और ये यहाँ पे है लिम्फेटिक कैपिलरीज हो गई छोटी-छोटी, ये कलेक्ट किया इस लिम्फेटिक कैपिलरी, देखिए आप ध्यान समझिएगा, ये लिम्फेटिक कैपिलरी जो है छोटी-छोटी इन्होंने ब्लड को छान के यहाँ से ब्लड छान करके इसमें आया, ये इकट्ठा हुआ और ये छान करके आगे गया कहाँ पे? लिम्फ नोड में, और इस तरह से पूरी बॉडी में ये फ्लो होता है। अगली बात कर लेते हैं, लिम्फ कब बनता है? जब ये टिश्यू फ्लूइड बैड अमाउंट ऑफ टिश्यू, ये तो पहले बता चुका हूं ऑलरेडी कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ टिश्यू होता है वो स्टेज पे बार-बार रिफिल हो रही है, उसको
जरूरत नहीं डिस्कस करने की, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पूरी पूरी साइकिल कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ लिप्ट। जैसे आपने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा है ना बच्चों, ब्लड में क्या काम हो जाती है, किसी को क्या होता है 65% वाटर, 55% ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन प्रकार के, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, याद है ना कंपोनेंट, बिल्कुल उसी तरह से लिप्ट का तो भी कुछ कंपोनेंट होगा। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिप्ट। लिप्ट के होते हैं बेसिकली दो कंपोनेंट, इसमें 96% वाटर होता है, 96% वाटर और सिर्फ 4% होते हैं सॉलिड। अब जो 96% वाटर उसको छोड़ दीजिए, अब आते हैं 4% सॉलिड में भी तीन प्रकार के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सेल, यानी कुछ सेल कंटेंट। ऑर्गेनिक में प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन कौन कौन से, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन क्लॉटिंग फैक्टर एंटीबॉडी एंजाइम। देखो भाई क्योंकि बना ब्लड से है तो सारे ब्लड वाले कंपोनेंट इसमें रहेंगे। लिपिड में से साइलोमाइक्रॉन्स, राइबोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और लिम्फोसाइट सेल्स में मोनोसाइट, मैक्रोफेजी और प्लाज्मा। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ, और ये चीजें यहां पे आप देख लीजिए, दो चीजें होती हैं, 4% सॉलिड है जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सेल अलग अलग पार्ट है और 96% वाटर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा दिया फिजिकल ब्लड कंपोजिशन, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है भैया, वही चीजें फिर से रिपीट हो रही है जो थोड़ी देर पहले आपको बताया। इम्यून सिस्टम, इमेजन, जो चार मैंने फंक्शन बताया वही फंक्शन आप यहाँ पे लिखिएगा, इसे बार बार रिपीट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, जितनी अलग अलग ऑर्गन्स है जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, थाइमस, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना। टाइम क्या हो रहा है देखिए, क्लास कंटिन्यू रखें, इसको कंटिन्यू रखें या इसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करें जैसा आप कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग हमने पढ़ लिया व्हाट इज द लिम्फेटिक सिस्टम, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे काम करता है, फंक्शन सब पढ़ना। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है इन सभी ऑर्गन्स के बारे में, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, इनकी पूरी बायोलॉजी, स्प्लीन वगैरह हो गई, सभी हो गई, ठीक है, इन सबके बारे में हमको पढ़ना। चलिए ठीक है, इनके जो अलग अलग पार्ट है ये हम लोग ये स्प्लीन सिस्टम है, लिम्फ पार्ट है, ठीक है, किसी किसी के बारे में स्प्लीन बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इन सबको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज की क्लास में काफी लगते हैं आधे घंटे की, नहीं ठीक है, हम टाइम ओवर हो रहा है, पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी दूसरा क्लास भी लेना, तो कल कंटिन्यू करते हैं, कल इसी टाइम कोशिश करेंगे क्लास लेने की और कल हम इस टॉपिक को पूरा करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ओके, जो भी सवाल हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए ज्यादा बेटर रहेगा, जो भी आपने इमरान सर ने बनाया है तो आपको मैं सारा। Thank you so much. Take it.